बारहवीं कक्षा के नतीजे आ चुके हैं और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है क्योंकि कोरोना काल में शिक्षा ग्रहण की थी और उसके बाद जब अब स्कूल खुलते हैं और साथ ही साथ जब नतीजे आते हैं तो चार चांद लग जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। मेरे साथ सौभाग्य मौजूद है, इन्होंने दसवीं कक्षा में भी बहुत अच्छे नंबर लिए थे और बारहवीं कक्षा में भी एक नया उदाहरण जो है वो पेश किया है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आगे भविष्य के लिए किस तरह की रणनीति बनाते हैं और कैसे माता पिता का वो स्कूल का जो है वो नाम रोशन करते हैं। सौभाग्य, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी अभी आपने कौन सी स्ट्रीम में कितने परसेंट मार्क्स अटेंड किए? मैंने मेडिक्यल स्ट्रीम में 97.8% से क्यों किए। अच्छा, मेडिकल स्ट्रीम, आपने टेंथ में भी अच्छे मार्क्स लिए थे और अब ट्वेल्थ में, लेकिन टेंथ के बाद जब आप इलेवेंथ में जाते हैं तो मेडिकल ही क्यों चूज़ किया? बिकॉज शुरू से ही मेरा मेडिसिन में इंटरेस्ट था, तो मेरा आगे भी यही मिशन है कि मुझे मेडिसिन में ही परस्यू करना है, सो दैट्स व्हाई मैंने वही मेडिकल स्ट्रीम चूज़ की थी। डॉक्टर बनना चाहते हैं? या कौन सी स्ट्रीम में बनना चाहते हैं? ऑर्थो करना चाहते हैं? मतलब कोई पर्टिकुलर एम्बिशन है लाइफ का? कार्डियो सर्जन दिल के डॉक्टर बनना चाहते हैं जी। अच्छा, अभी से स्टडी शुरू कर दी है उसके लिए? रिसर्च तो काफ़ी ज़्यादा करते हैं बच्चे, क्योंकि जो मेडिकल स्ट्रीम है अगर आपको कहीं पर फोकस रहना है, पहुँचना है, तो पहले ही रिसर्च करते हैं और यूट्यूब का ज़माना है, तो कुछ रिसर्च किया है? रिसर्च तो भी नहीं किया, जस्ट एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर दी है, तो यहाँ पर कितनी मुश्किल हुई क्योंकि आपने कोविड के टाइम में लॉकडाउन में स्टडी की है, डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होती है, फैमिली लाइफ भी होती है, तो कितना ज़्यादा मुश्किल रहा वो सब? डिस्ट्रैक्शन होती है बट पेरेंट्स के सपोर्ट के कारण डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाती हैं, एंड शुरू में इंट्रैक्शन टीचर से नहीं हो पाती थी तो काफ़ी कॉन्सनट्रेट करना मुश्किल था, एंड स्पेशली जब व्हाट्सएप पे क्लासेस होती थी वो भी ऑडियो फॉर्म में। ट्वेल्थ में तो फिर भी ठीक था जब जूम पे क्लासेस होती थी, बट इलेवंथ में काफ़ी टफ रहा। देन फिर आहिस्ता आहिस्ता 2G से 4G रिस्टोर हुआ, देन सभी कंडीशन नॉर्मल हो गए एंड फिर अच्छे से हम प्रिपरेशन करना शुरू कर। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था कि जब आपके इतने अच्छे मार्क्स आते हैं तो जो आपके पापा हैं मम्मा हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं? या उनको पहले ही पता था कि टेंथ में तो बाजी मार ली, ट्वेल्थ में भी यही होगा? मम्मा को तो पहले से कॉन्फिडेंस था, पापा को थोड़ा कम था, बट अभी दोनों को हो गया है कि हाँ अच्छे मार्क्स आ गए, विश्वास हो गया, बना लिया ना जी। अच्छा, इनके पापा भी हमारे साथ हैं, इनके फादर हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, वो कह रहे कि पापा को विश्वास ही नहीं था, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि टेंथ में जो एक अलग बात होती है और ट्वेल्थ में एक अलग बात होती है। टेंथ में तो जनरल एक बड़े सिंपल सब्जेक्ट होते हैं बेसिक, और हाँ तो ट्वेल्थ में तो एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट होते हैं वो बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं और उसमें मार्क्स लेना मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल होता है। सर, अब ये डॉक्टर बनना चाहते हैं और दिल के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कितना सपोर्ट रहेगा आपके? नहीं, हमारी तो पूरी सपोर्ट है, अब ये एंट्रेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और इसकी एडमिशन दिलाई है हम लोगों ने, तो तैयारी कर रहा है जो भी। अच्छा लगता है कि सौभाग्य की वजह से आपको सौभाग्य मिला है इतना कि आपके बेटे ने आपका नाम रोशन किया। बहुत अच्छा लगता है कि आजकल आपको पता ही है तो बच्चे जो संस्कारी बच्चे मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं बड़ा खुश हूँ कि ये संस्कारी बच्चा मुझे मिला है। मेरा बिना पूछे कोई ये काम नहीं करता है, उल्टा मुझे ही समझाता है कि पापा ऐसा है ऐसा ऐसा है। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जहाँ तक मैं जानती हूँ सोशल मीडिया से आप भी बहुत ज़्यादा इंटैक्ट रहते हैं, तो सौभाग्य के लिए सोशल मीडिया क्या इंपॉर्टेंस रखता है लाइफ में, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल रहता है, सोशल मीडिया भी होगा और ऐसा भी होगा? नहीं, सोशल मीडिया ये नहीं चलाता है, सोशल मीडिया पर एक्टिव में ही रहता हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और क्रिकेट को मैं चलाता हूँ पूरा अपने जम्मू के अंदर। तो और क्या क्या सपने देखे हैं? अपने सपने तो पूरे हो गए, अब इसके लिए सपने देखे हैं और वहाँ चाहेगा तो सपने। अगर पापा के लिए मम्मा के लिए आपको कहते हैं ना कि एक लाइन में आपको कुछ वर्णन करना है, आपको डिस्क्राइब करना है, तो हाउज योर जर्नी विद योर पेरेंट्स इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट सिस्टम, तो कैसे कहेंगे आप? अभी पापा भी आपके सामने, पापा का तो है ही है, बट जो मम्मा है ना मेरी, वो एक तरह से ना उनका रडार रहता है मेरे पे, तो मेरी दिमाग कहाँ है आप? हाँ, जो मैं स्कूल से निकल रहा हूँ उनको कॉल आता है, अगर मैं घर पे टाइम से नहीं पहुँचूँ तो वो स्कूल में ही कॉल कर देते थे, एंड मेरे मन में क्या बातें चल रही है, मुझे क्या सोच रहा हूँ मैं, उनको पहले ही पता चल जाता है। अच्छा। तो इस तरह से ना वो मेरे लिए घर पे डिसिप्लिन मेंटेन मेरी मम्मा ही करती है, तो अगर मैं हार्ड वर्क नहीं करता। पापा क्या करते हैं सोशल मीडिया? नहीं, पापा भी बीच बीच मोटिवेट करने आ जाते हैं जब मम्मा नहीं होती। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इतना खूबसूरत सा ये परिवार है और जब इस परिवार के साथ इस तरह से एक बेटा जब नाम रोशन करता है तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। नाम सौभाग्य है और आज सौभाग्य की वजह से माता पिता को ये सौभाग्य मिला है कि देखिए वो सबको कह सकते हैं कि हाँ जी, हमारे बेटे ने इतने अच्छे नंबर जो है वो लिए हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, और हम भी इनको शुभकामना देंगे और उम्मीद करेंगे कि हमें अब अगली बार जब ये है तो एक कार्डियो सर्जन के रूप में ही हम इनसे बात करें। आप ही आवाज़ से बने, देखते हैं न्यूज़ 9 लाइव जो मुस्कुराते हैं।